सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको व्याकरण वर्तिका का अगला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, कारक। बच्चों, आप लोगों को पहले भी कारक पाठ पढ़ाया गया है। कारक का अर्थ क्या होता है या कारक किसे कहते हैं, इस तरह से हम आपको बता देंगे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति और परसर्ग भी कहते हैं। बता दूं बेटा कि कोई भी वाक्य बनाएंगे हम, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो बिना कारक के वाक्य तैयार नहीं हो सकता है। और कारक नहीं लगेगा तो हम वाक्य बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? जैसे व्याकरण के बिना वाक्य शुद्ध नहीं हो सकता, व्याकरण के बिना हमारा भाषा शुद्ध परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार से कारक के बिना कोई भी वाक्य हम तैयार नहीं कर सकते। इसलिए ये कारक का पाठ आप लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिला है, तो आप लोग फिर से दोबारा एक बार कारक को पढ़ना है और सीखना है, समझना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, देखेंगे कि कारक कितने प्रकार का होता है। बच्चों, तो कारक आठ प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आठ प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। कौन सा होता है बेटा? संबंध, उसके बाद अधिकरण, फिर संबोधन। अब आपको बता दूं बेटा कि सबसे पहले हम कर्ता की परिभाषा पढ़ेंगे। कर्ता में क्या लगाया गया है? ने। किसी भी वाक्य में अगर ने आए तो हमें पहचान मिल जाएगी कि नहीं इसमें क्या कारक क्या है, तो ने है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, या कैकेयी ने सीता से बात कही, कैकेयी ने सीता से बात कही। अब यहाँ नाम बदल दिया जा रहा है लेकिन कारक थोड़ी बदला है, कारक यहाँ पर नहीं बदला हुआ है। इस तरह से हमें कर्ता हर जगह हर वाक्य में लेना ही पड़ता है। तो कर्ता बदल जाएगा, यानी हम नाम बदल सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कारक बदल नहीं सकते। उसके बाद हम चलेंगे, अब कारक की पहले कर्ता की हम परिभाषा बता देते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? कर्ता कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, माँ ने मुझे चॉकलेट दी, माँ ने मुझसे पढ़ाई ली, माँ ने मुझे स्कूल भेजा। इस तरह से हम वाक्य, कितने भी वाक्य बना सकते हैं, किसका? कर्ता का। उसके बाद हम चलेंगे कर्म। कर्म किसे कहते हैं? अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है को। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। शिक्षिका बच्चों से लिखवाती है, शिक्षिका बच्चों को समझाती है, शिक्षिका बच्चों को समझाती है, शिक्षिका बच्चों को लिखने के लिए कहती है। अब हम कितने भी वाक्य बना सकती है बेटा, उसमें क्या लगेगा? को लगेगा। इस तरह से कर्ता और कर्म की परिभाषा आपको बताई गई है और पहचान भी करा कर दिया गया है कि यहाँ पर कर्ता रहा तो ने, कर्म रहा तो को। उसके बाद हम चलेंगे करण। अब करण, करण में क्या बताया गया है कि कर्ता जिस साधन के द्वारा, अब यहाँ पर कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? से और द्वारा, से और द्वारा। इसमें क्या बताया गया बेटा चिन्ह? से और द्वारा। इसमें अगर हमको वाक्य बनाना रहा तो वाक्य हम कैसे बनाएंगे? राम के द्वारा मैंने किताब भेजी, राम के द्वारा मैंने किताब भेजी। अब उसके बाद मैं पेन से लिखती हूँ, मैं पेन से लिखती हूँ, मैं चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ। इस तरह से हम वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। किसका? करण का। कोई अगर हम किसी के द्वारा काम करवाते हैं, कर्ता के द्वारा कराए गए काम, उसको हम क्या लगाएंगे? द्वारा। यहाँ पे सीता के द्वारा
ये पाठ पढ़ाया गया। शिक्षिका के द्वारा ये कहानी बताई गई। बच्चों के द्वारा गीत गीत या गाना गवाए। उसके बाद अब हम चलेंगे चौथा नंबर है संप्रदान। संप्रदान यानी कि किसी को कुछ प्रदान करना। प्रदान का अर्थ क्या होता है बेटा? देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? किसी को कुछ देना। अब संप्रदान का यहाँ पे क्या दिया गया है? के लिए। वैसे अर्थ इसका और इसका के द्वारा के लिए हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने श्याम के लिए किताब लाई, मैंने श्याम के लिए किताब लाई। अब संप्रदान किसे कहते हैं? संप्रदान किसे कहते हैं? अब यहाँ पे संप्रदान का क्या बताया गया है बेटा? कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए होता है। जैसे पिताजी ने राजू के लिए किताब लाई, राजू ने पिताजी के लिए दवाई लाई, मम्मी ने सभी के लिए खाना बनाया, शिक्षिका ने सभी के लिए चॉकलेट लाई। इस तरह से के लिए, यानी अब यहाँ पे यही वाक्य है, पिताजी ने राजू के लिए किताब लाई, लेकिन अब पिताजी कैसे बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो राजू ने पिताजी के लिए दवाई लाई। इस तरह से बेटा हम वाक्य को बदल सकते हैं। वैसे भी बदलने के लिए बहुत सारे वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो। वैसे हम भी संप्रदान का करण में बदल सकते हैं, करण का कर्म में। इस तरह से हमें उस तरह की जानकारी चाहिए। और हाँ, अगर हमको बताते नहीं आ रहा, बोलते नहीं आ रहा, समझ नहीं रहा, तो हम अपने शिक्षिका से फोन करके बात करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से कारक के 8 प्रकार में से हम आपको 4 प्रकार बता दिए हैं। कितने प्रकार बता दिए हैं बेटा? 4 प्रकार। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर ये प्रकार आपको बताया गया है। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, और नंबर 4 संप्रदाय। इस तरह से। और हाँ, आप लोगों को इसमें ये चारों के कम कर्ता के 4 वाक्य, कर्म के 4 वाक्य, करण के 4 वाक्य और संप्रदान के 4 वाक्य, इस तरह से पीएच के रूप में आप लोगों को इन सभी कारक के 4-4 वाक्य आपके नोटबुक में लिखना है। इस तरह से आप लोग ये पाठ यहाँ पर, यानी कि कारक का 1 से 4 नंबर तक का जो मुद्दा पॉइंट है यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और जो ना आए मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।